हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम की सब्ज़ी आपने मटर मशरूम तो बहुत खाई होगी, बट मैं आज कुछ अलग तरीके से आपको सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ मशरूम की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मशरूम लिया है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद चार टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे छान कर अलग रख लेंगे। अब चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए एक पैन लिया है। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 5 से 6 क्लॉप्स हैं ये। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतली पतली कट कर लिया है। आप अपनी मनचाही शेप में भी प्याज को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर बारीक कटे हुए जूलियंस में गाजर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। मशरूम भी ऐड कर देंगे। अब सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ढककर या कुक करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब इसे ढककर हम लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चलिए 2 से 3 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए हरे प्याज डाल देंगे। हरे प्याज के पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी अच्छे से सब्जियों के साथ में हम मिक्स कर देंगे। देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। बहुत ही न्यूट्रिशियस ये सब्जी बनकर तैयार होती है। अब हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे मैगी मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाउच मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। 1 टेबल स्पून में 1 टेबल स्पून मैगी मसाला होगा। इसे भी अच्छे से हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। जब आप इस सब्ज़ी को इस तरह से बनाओगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून टमाटर और मिर्च का सॉस डाल रही हूँ, टमाटर और मिर्च का। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस सब्ज़ी से टमाटो केचप या चिली के सॉस डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। या आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आप डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसे हम धीमी आंच पर कुक करेंगे, ढककर 7 से 8 मिनट तक बीच में एक बार चला के चेक कर लेंगे। ये देखिए सब्ज़ी हमारी कैप्सिकम ऑलमोस्ट पक गई है, पर 2 से 3 मिनट में इसे और कुक करूँगी ताकि अच्छे से सारी चीज़ें हमारी मशरूम और कैप्सिकम सारी अच्छे से कुक हो जाए और फ्राई हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी हमारी पककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो नीचे से अच्छे से इसके कलर भी चेंज हो गया है, फ्राई हो गई हैं बढ़िया से। बस इतना ही हमें पकाना है और इसे कुक नहीं करना है हमको। अब ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, इसको और भी स्वाद बढ़ जाएगा, जिससे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दीजिए, देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी हमारी पककर तैयार हो गई है। लग रही है ना माउथ वाटरिंग सब्ज़ी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली।